शुक्रिया करूँगा मीडिया का, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया। आप लोगों का बड़ा योगदान है इंडस्ट्री में, और इसकी वजह से जितने भी पर्सन हैं, नए आर्टिस्ट हैं, उनको मौका मिल रहा है, उनको आप लोग एक अच्छे प्लेस पे ले जाके छोड़ते हैं ताकि वो अपना कुछ अच्छा वर्क करके आगे निकले। इस प्रोजेक्ट की बात है, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने झांसी में शूट किया था, और मेरा जो ये सॉन्ग है वो पूरा इमोशनली, तो थोड़ी सी मेरी आंखें इमोशनली वैसे हुई तो मुझे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से इस प्रोजेक्ट को किया। बाकी इस प्रोजेक्ट के विषय में ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे हमारे डायरेक्टर बाबा नितिन जी, तो प्लीज़ आप ज़्यादा विशेष तौर से इसके विषय में जानते तो बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जब ये प्रोजेक्ट में डायरेक्ट करने गया तो हमारे जो मेरा फिल्म कंपनी की जो ओनर है, जो हमारी प्रोड्यूसर हैं सुषमा निषाद जी, तो उन्होंने बोला कि भैया कुछ ऐसा बनाइए जिससे पब्लिक पे मैसेज भी जाए और एक अच्छा सॉन्ग भी लोगों को इंटरटेन करने में मजा आए। तो मैंने बॉलीवुड में नया कल्चर पैदा किया स्टोरी बोर्ड सॉन्ग का, कि गाने के पहले स्टोरी, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि ये गाना क्यों चल। तो मैंने फिर इसके विषय में एक स्टोरी लिखी जिसका नाम इश्कदारी, आप लोगों ने देखा ही अभी। ये एक माँ की कहानी, मतलब ये जो हमने शूटिंग की ये एमपी में किया है, वर्षा करके एक जगह है, और ये पूरा रियल लोकेशन है। कहानी है कि एक महारानी होती है और बहुत ही घमंडी अकड़ू टाइप की होती है। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी छोटी बहू जो है किसी कारण हॉस्पिटलाइज हो जाती है, और जब डॉक्टर बोलती है कि यह माँ नहीं बनेगी तो अपने बेटों को स्ट्रिक्टली बोलती है जब ये माँ नहीं बन सकती तो छोड़ दे, क्यों महल ले जाना चाहता है। तब हीरो कहता है कि माँ अगर आज मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कल मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो क्या छोड़। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं उन माओं के लिए बनाया मैंने जो बहुओं को प्रताड़ित करती है। आपके जहन में ये कैसे आया कि इसी विषय पर ही ऐसा जाए? एक्चुअली क्या है, पिछले कई सालों से ना मेरे दिमाग में थे कथा को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही, तो मुझे लगा यार कुछ ऐसा बनाना जिससे एक मैसेज जाए। क्लोज कर, क्या होता ना बोल बंद कर, बच्चा होना ना होना ईश्वर के हाथ में, ये सब ऊपर वाले के हाथ में, वो जब देखा कबूल करना चाहिए, नहीं देखा तो भी कबूल करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हर चीज़ बच्चे नहीं होते, जिंदगी में फीलिंग होती है, प्यार होता है, इमोशन होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपको ये पता चले कि ये माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब नहीं उसको छोड़ दिया, इसका मतलब उसको एक्सेप्ट करो, ईश्वर ने शायद हमारी किस्मत में औलाद नहीं। तो कुल मिलाकर यही है कि ये जो सॉन्ग है इश्कदारी है, स्टोरी बोर्ड सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा है। इसके जो हमारे लीड एक्टर हैं मिस्टर सुखी कुमार जी हैं, इज अ वेरी नाइस एक्टर, थिएटर से हैं, काफ़ी काम किया है, और मैंने इनको एज ए डेब्यू लॉन्च किया है और बहुत जल्दी इनको मैं फिल्म में भी लेके आ रहा हूँ। और इसमें जो हमारी हीरोइन है अशिता जैन है और काफ़ी अच्छी एक्टर हैं, इन्होंने लीड किया है इसमें, जो शिवालिका का कैरेक्टर है। और जब मैं कास्टिंग कर रहा था तो मुझे दिमाग में एक चीज़ आई थी, जो युवराज होते हैं राजाओं के ज़माने में आपने देखा होगा कि राजा हमेशा बड़ा होता था, रानियाँ छोटी होती थी। तो उस हिसाब से मैंने इनको कास्ट किया और भोलेनाथ के आशीर्वाद से काफ़ी मेरी कास्टिंग अच्छी रही। और हमारी अक्लू महारानी है सालिका जी, जो माँ का रोल किया होगा आपने देखा ही। और हमारे छोटे युवराज हैं मिस्टर मनीष यादव जी, इज़ ए वेरी नाइस एक्टर, और इन्होंने छोटे भाई का रोल प्ले किया है। वो हमारी खुशी सैयद जी हैं, इन्होंने डॉक्टर का प्ले किया है। बहुत ही कुल मिला के ये कि हमारे सारे एक्टरों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, हमें किसी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। जो आपने शूट किया मध्य प्रदेश में किया जी, तो इसकी कोई खास वजह नहीं है? एक्चुअली 14 साल पहले मैं मध्य प्रदेश शूट करने गया था, मैं एज एक्टर एज ए हीरो तेलुगु फिल्म, मैं खुद एक्टर राइटर रह चुका हूँ बहुत पहले। तो मैं वहाँ शूट करने गया तो मेरे दिमाग में था कि मैं कभी यहाँ आऊँगा ज़रूर, लेकिन राजा राम जी की कृपा, वहाँ जो राजा राम जी का मंदिर है बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत पावरफुल है, तो उनकी कृपा से मैं वहाँ पहुँचा। और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं एक सब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें महल दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, मतलब वो मैं जाने का कॉन्सेप्ट था। तो फिर हाँ कुछ कहना चाहिए, परफेक्ट मिल गया जी, झांसी जी, तो हमें लगा कि वहीं पे शूट करना चाहिए जी, जी। वो लोकेशन मिल गए वहाँ जी, लोगों ने काफ़ी सहयोग किया जी, थोड़ी चीज़ें वहाँ कम्फर्टेबल नहीं रही मगर वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्ट जी। मैम कितना आप एक्साइटेड थे, आप कितना एक्साइटेड थे, आप दोनों लोग ने जो एक्ट किया है उसके दौरान आप कितने एक्सपीरियंस है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब लोकेशन देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि फाइनली जो हम सर्च कर रहे थे वो मिल गया, और सच में बहुत अच्छी लोकेशन थी, महल से लेकर
हॉस्पिटल वगैरह सब बहुत अच्छा था। तो एक होता है ना, हम शूट में चीज़ों को देखकर और ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट हो जाती है। जब हमारा सीन महल में लगा था तो हमें बहुत खुशी हो रही थी, वो करने में स्पेशली बहुत मज़ा आया। और एमपी में जो लोग थे हमारी टीम में, उनको भी मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट था तभी जाकर हम लोगों ने इतना अच्छा किया। तो उन सभी को भी थैंक यू, और स्पेशल थैंक्स नितिन जी जिन्होंने हमें ये मौका दिया। ओके, और नहीं, मैं इससे पहले भी नितिन जी के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने एक तो लॉन्च किया था 2 साल पहले, मेरी सीरीज थी, तो इनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे काफ़ी स्ट्रगल भाई बहन आते हैं और लोग उनको काम नहीं देते, प्रताड़ित करते हैं। इन्हों जो बॉलीवुड में चलता है, भाईचारा चल रही है, तो मैं राइटर डायरेक्टर बाबा नितिन चौधरी, मैं जब तक कुछ भी करूँगा एज ए डायरेक्टर, मैं हमेशा न्यू कास्टिंग करूँगा। सपोर्ट में भले थे मार्केट तरफ, लेकिन मेरे हीरो हीरोइन हमेशा न्यू रहेंगे। मैम, आपका एक्सपीरियंस जी हाँ, बिल्कुल, मेरे जितने भी सॉन्ग आएंगे सब में एक स्टोरी बोर्ड होगी, क्योंकि मैं खाली सॉन्ग शूट नहीं कर सकता, और मेरे सॉन्ग के साथ एक स्टोरी रहेगी, और ऐसी स्टोरी रहेगी जो एक मैसेज दे सके पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को। और बस पहले स्टोरी चलेगी, उसके बाद हाँ पहले स्टोरी चलेगी, उसके बाद सॉन्ग चलेगा। मैम, आपको कैसा लगा ये जो आपने ट्रेलर देखा? मुझे बहुत ही मज़ा आया ये सॉन्ग करने में, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी बाबा नितिन चौधरी को, जिन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है बॉलीवुड में, स्टोरी बोर्ड एल्बम सॉन्ग, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। क्योंकि गाने तो सब बनाते हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, हीरो हीरोइन ये सब चल रहा है, बट उसके पीछे स्टोरी क्या है, वो क्यों मिले, उनका प्यार कैसे आगे बढ़ा, और उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब इस गाने में दर्शाया गया है, जो बाबा नितिन चौधरी ने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। सर, आप मतलब जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे मीडिया भाई को प्यार भरा मेरा नमस्कार। शायद एक बार मुलाकात हो गई है जी, आप लोग से एक बार मुलाकात हो गई है, और मैं अपने बाबा नितिन चौधरी जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे गुरु भी हैं, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये कहना है कि जब तक हम लोग काम करेंगे, हमारे बाबा नितिन जी हम लोग के साथ रहेंगे, और हमारे प्रोड्यूसर, हमारी भाभी सुषमा निषाद जी, ये मीरा म्यूज़िक कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, और उनसे उनको भी हमारे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, साथ में अपने मीडिया भाइयों का। नितिन जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने, मुझे लग रहा है कम से कम 15 साल से ऊपर हो गए, और इनके अंदर में एक ही चीज़ मैंने देखा कि बहुत ही, जैसे इनके रियल वर्ल्ड में कहना चाहिए, फाय सोचना, चाहे स्टोरी हो, चाहे इनके डायरेक्शन हो, चाहे आर्टिस्टों को जिस तरह से इंडिविजुअल इन्होंने हर से काम दिया है, जो भी लोकेशन हो, मतलब एक पूरी देखने के बाद में फर्स्ट फ्रेम में ये लगता है कि बैकबोन एक वन मैन शो वो नितिन का दिखाई देता है, जो मैं रियली आई एम फीलिंग प्राउड कि जब ये एक पिछले दफ़ा फिल्म बनाया तो उस टाइम में भी बुलाया, मैं आ गया, और इंडस्ट्री में मैं ऐसे हमारे उभरते हुए कलाकारों को, चाहे डायरेक्टर जो हमारे कम से कम 50 साल 50 ईयर्स मैंने पूरा किया इंडस्ट्री में, और आज रवीना टंडन 25 साल से, प्रियंका चोपड़ा 15 साल से, और मोर देन डजन कलाकार जिनके साथ में जुड़ा, फिल्में भी बनाई, अजय प्रोड्यूस्ट भी किया, टेलीफिल्में भी बहुत बनाया, एक लंबी सफ़र जी, मैं क्या बोलूं कि इंडस्ट्री वालों ने इतना प्यार दिया कि मतलब बेस्ट बिजनेस मैनेजर का मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला, और भी कई एक चीज़ें, मेरे पूरी इंडस्ट्री का एक प्यार मुझे मिला है, जिसमें इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे जो भी कलाकारों का डजन हमने बनाया है, ये इन लोगों की ही बैक में, बोलते हैं ना, जो सामने तो कलाकार होते हैं लेकिन बैक में कितने उनके होते हैं, जिनमें से इन लोगों का भी सारे। तो आज के दिन हम यही कहना चाहेंगे इस पूरी टीम को, प्रोड्यूसर हमारे, उनको मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, सुषमा निषाद जी, उनको बैकग्राउंड कभी कभी बोलते हैं ना, जो आज प्रोड्यूसर और सामने ना हो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने उनको मैं दिल से शुभकामना देना चाहूँगा। हमारे भाई डायरेक्टर राइटर जो भी है, उनको दिल का प्यार, ऐसे ही शुभकामना देता रहूँगा कि एक से बढ़कर एक ऐसे ही थीम के साथ, जो एक नई ट्रेंड इन्होंने सेट की है, एल्बम तो सब बनाते हैं, ये वो आगे बढ़ाते रहें,
शशि जी, हमारे सीता जी, हमारे सारे कलाकार, चाहे मनीष जी हैं, इंडिविजुअल रोल सबके, चाहे डॉक्टर हैं, हर सीन में अपने तरफ से सबसे सबने एक अच्छा काम किया है। और हम यही दिल से शुभकामना देंगे कि एक से बढ़कर एक अच्छी चीज़ सोचें, अच्छी चीज़ बनाएं। आज ज़रूरत है इंडस्ट्री में, और 24 घंटा लगता है इस लाइन में, सिर्फ 24 आवर्स मैंने मार किया है पूरी ज़िंदगी, मेरी ये थीम है। 24 घंटे में इंसान मेहनत, अगर सच्चा नियत और मेहनत और अच्छे ढंग के साथ इसी तरह से उमंग उत्साह से करे, तो 24 आवर्स में वो कहाँ से कहाँ जाए उनका पता नहीं चलता, गिरते। नहीं, मैंने वही बोला, मैंने कहा गिरते चढ़ते उतरते आसमान पर जाते सब, हमने इतने दौर देखे हैं, थर्ड जनरेशन दिलीप साहब से लेके सेकंड दौर, थर्ड दौर, एंड सब लोगों का प्यार मुझे मिला है। और हम सबके लिए, पूरी इंडस्ट्री वालों परिवार को यही कहेंगे कि हमारा परिवार इसी तरह से खूब आगे बढ़े और इसी तरह से हम लोग भरपूर बैठ के प्यार दें। चांद भाई के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली चांद भाई को मैं पिछले 15 सालों से जानता हूँ, एक संस्था है ब्रह्मा कुमारी, सुना होगा आप लोगों ने। चांद भाई की वजह से ही और मेरे एक मित्र हैं उनकी वजह से ही आज मैं बाबा की भी सेवा में लगा हुआ हूँ, और बहुत ही अच्छे विचार हैं वहाँ के। और चांद भाई हमेशा से नए लोगों को आगे बढ़ाते आए हैं, और इन्होंने अनगिनती कई फिल्म प्रोड्यूस की है, और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के मैनेजर प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, सलमान खान, इज अ वेरी बिग। और बाकी चांद भाई का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा सदा बना रहता है, मैं जब भी चांद भाई को फ़ोन करता हूँ मेरे लिए कभी मना नहीं करते, उसके लिए शुक्रिया चांद भाई, आप आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और सबको मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी के लिए कि हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ, अपने शहर की मैं ताज़ी हवा लेके चला हूँ, मुझको यकीन है कि हम सब रहेंगे कामयाब, क्योंकि घर से हम सब अपनी माँ की दुआ लेके रहते हैं। मैं इंडस्ट्री में आई और नया कॉन्सेप्ट मिला, बहुत अच्छा लगा नितिन जी के साथ काम करके, और नितिन जी ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू सो मच नितिन जी। और सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, साजिदा जी, आशिता जी और शशि जी वगैरह, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और इन सबके साथ काम करके ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी अदर के साथ काम कर रहे, फैमिली जैसा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बोले जब जिक्र किया इन्होंने ब्रह्मा कुमारी जी का, उनके लिए एक फिल्म बनाया था मैंने, मैंने प्ले किया था जिसमें ये इनको जी, 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 और 6 टेलीफिल्में मैंने वहाँ पर, मैंने ऑलरेडी जिनका कहना चाहिए दिव्य ज्योति, 13 डे, हुए माए, ऑल ट्यूब पे है, एजुकेशनल 6 फिल्में बना के ब्रह्मा कुमारी इसको हमने दिया हुआ है, 12 उनके सीडी जिस पर ये म्यूजिक एल्बम है। तो ब्रह्मा कुमारी जी अराउंड दी वर्ल्ड में मैंने बहुत सेवा किया है, और उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी आज उन्हीं की जी, मैंने एक 10,000 ब्रांच में 140 कंट्री में आज उनकी ब्रांचेज है, और फीमेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ सेवा करके, आज तक आज भी मैं कर रहा हूँ। तो एक उन्हीं की कृपा कहिए जिसमें से सब हम लोग आज यहाँ हैं, और उनका जिक्र किया तो मैंने कहा उनको याद किए बिना मैं। थैंक यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और मुझे पहले बताइए कि आपको ये एल्बम कैसा लगा? एक कोरियोग्राफर को क्या चाहिए, सबसे अच्छे आर्टिस्ट और बहुत अच्छा लोकेशन, जो दोनों मुझे बहुत अच्छे से मिल गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये मेरा पहला हिंदी एल्बम है जो मैंने एज अ कोरियोग्राफर काम किया है, इससे पहले मैंने किया हुआ है बट एज अ असिस्टेंट मैंने बहुत सारे काम किए, बट ये एज अ कोरियोग्राफर इंडिविजुअली फर्स्ट वर्क है। और थैंक यू सो मच शशि जी, थैंक यू सो मच आशिता, एंड थैंक यू सो मच ऑल, सबने इतना अच्छा काम किया, सबने सपोर्ट किया, और थैंक्स टू नितिन चौधरी जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया, सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन टू नितिन, मैं हमेशा हौसला अफजाई के लिए आ जाती हूँ। शी इज सो स्वीट। जितने भी आर्टिस्ट हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी टचेबल सॉन्ग फॉर यंगस्टर्स के ज़माने में, एक ऐसा फ्यूजन सॉन्ग है जो एक दिल को छू जाता है, और इसमें राजस्थानी का एक जो दिया हुआ है, जो रंग दिया हुआ है, लोगों को ऐसा टच कर जाता है, तो मुझे लगता है ये सॉन्ग बहुत हाईलाइट होने वाला है, और मैं अपने रील में ये सॉन्ग डालूंगा ऑल इन सोशल मीडिया। सो फॉर आवर यंगस्टर्स आई रियली लाइक द सॉन्ग, एंड मैम ने तो बहुत अच्छा, आई लाइक द विग, थैंक यू सो मच, मुझे तारा भी याद आ गई आपको देख के। तो जी हॉरर शो नेक्स्ट बनेगा तो हॉरर, दैट इज अ हॉरर, I have done a the horror show episode, madam. Yeah, you should, you should. And all the people who have done very good job, choreography, first time nahi hota, madam, choreography, everything is good, don't worry. Hamesha har cheez first se shuru hoti hai. And Nitin ji ko kya bolte hai?
आप भी छोटा है मीडिया में, आप भी थिएटर में जाएंगे, थिएटर में जाएंगे सीधा। थैंक यू, थैंक यू।